Hello everybody. Today we will start with CA final costing. And that too today we will start with decision making. तो हम लोग आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग ऑल्सो नोन एज रिलेवेंट कॉस्टिंग एंड इन ब्रॉड मैनर इट इज ऑल्सो अ मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर. वॉट डू यू मीन बाई डिसीजन मेकिंग? अभी हमारे को जब हम बिजनेस करते हैं तो वी कम अक्रॉस मेनी टाइप ऑफ सिचुएशन. सपोज हमारे पास में एक कस्टमर आया और वो हमको बोलता है कि मुझे एक साथ 10,000 यूनिट परचेस करने हैं आपके प्रोडक्ट के. अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है ₹20 पर यूनिट. ही इज टेलिंग प्लीज सेल मी एट ₹15 पर यूनिट, वेदर वी शुड एक्सेप्ट और नॉट. दिस चैप्टर इज फॉर जनरली making decisions. For example, customer want to purchase bulk quantity, so whether offer of customer is acceptable or not. नंबर टू, हमारे पास कोई डिपार्टमेंट है और वो डिपार्टमेंट के अंदर इनिफिशियंसी प्रिवेलिंग है. हमको डिसाइड करना है हम वो डिपार्टमेंट बंद करें और उसकी जगह वर्क आउटसोर्स करें या ना करें, मतलब वेदर वी शुड आउटसोर्स द वर्क और नॉट. Whether department is to be closed or not, that is, work is to be outsourced or not. Our production facilities are old. We have offer that we can purchase new machine for installing new facilities. Whether offer is to be accepted or not. Whether new production facilities to be installed or not. Whether old material left is to be used for production of other finished goods by installing new machine or it should be scrapped. Scrapped. Customer request for more credit. Whether credit is to be allowed or not. Particular part of a finished good is currently produced in company.
whether to purchase it from outside supplier or not. Company has been transporting its finished goods by transport department through its own vehicle. Now, offer of other transport company is to be accepted or not. Therefore, in decision making, we generally deals with the situation which are one-time decision, abnormal decision. These decisions are not regular. ऐसा regular way में हम लोग decision नहीं लेते. जैसे हम रोज-रोज हमारा department बंद करने के बारे में बात कर देगा? नहीं. हम लोग रोज रोज ऐसा बात करते हैं क्या कि ये फिनिश गुड्स बंद करके नया फिनिश गुड्स चालू करें? कोई बड़ा ऑफर कस्टमर लिख के आता है, रोज रोज लिख के आता है क्या? नहीं. तो ये चैप्टर में हम लोग ये जो स्पेशल टाइप के वन टाइप के ऑफर होते हैं इनको इवैल्यूएट करते हैं, और इसीलिए इसका नाम है डिसीजन मेकिंग. जब भी हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं तो हमेशा हमारे को यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. वो जो स्टेटमेंट होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, और वो स्टेटमेंट बेस्ड होता है रिलेवेंट कॉस्ट के ऊपर. जब मैं बोलता हूँ रिलेवेंट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो डिसीजन से रिलेटेड है. अगर आपको याद रहेगा तो जब आप आईपीसीसी वगैरह में रहते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग समझाने के लिए बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं. आपको वापस में एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज करो अगर मेरा ऑलरेडी एक वड़ा पाव बेचने का दुकान है और मैं लोगों को वड़ा पाव बेचता हूँ 10 रुपया पर वड़ा पाव के अंदर. मेरी वड़ा पाव बनाने की कॉस्ट 6 रुपया. मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर डे लारी एम्प्लॉई सबका 1000 रुपया. एक दिन में मैं 500 वड़ा पाव बेचता हूँ. मेरे पास एक कस्टमर आया, बोला मुझे 100 वड़ा पाव चाहिए, आप क्या प्राइस लगाओगे? मैंने कहा 9.5 रुपया. वो बोला 9.5 रुपया मेरे लिए कम किया 50 पैसा की, तुम्हारे लिए मैं भी करेगी तुम भी करे. तो मैंने बोला ठीक है आपको कितने में चाहिए? उसने बोला मैं तो 7 रुपये दूंगा. वापस सुनो, मेरी वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो मसाला वो बेसन वो सब की कॉस्ट कितनी? 6 रुपया. मेरा फिक्स खर्चा 1000 रुपया. मैं एक दिन में कितने वड़ा पाव बना के बेचता हूँ? 500. अब 7 रुपये में मुझे प्राइस में ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? नॉर्मली स्टूडेंट क्या बोलता है? सर नहीं करना चाहिए. मैं पूछा क्यों? बोले सर 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, 1000 रुपया डिवाइड बाई 500, 2 रुपया फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारी कॉस्ट होती है 8 रुपया, वो 7 में मांग रहा है. ये नॉर्मल स्टूडेंट का इवैल्यूएशन है. पर अभी आप गौर से सोचो, वो जो 1000 रुपया हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी रिकवरिंग इट फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस. वो जो 500 वड़ा पाव बेच रहे उससे. तो ये जो स्पेशल ऑफर आया उसके लिए तो खाली वेरिएबल कॉस्ट ही हमारे काम की है ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर कस्टमर के वजह से खाली वेरिएबल, बाकी फिक्स्ड कॉस्ट उससे रिकवर हो रहा है. तो 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, उसके ऊपर जो मुझे मिले मेरा फायदा है. मेरे को वो बोल रहा है 7 रुपया, तो भी मैं 1 रुपया कमाऊंगा ना. अब यही सपोज करो, ये जो एग्जाम्पल है इसमें 7 रुपये में हमसे मांग रहा है, 6 रुपये हमारी वेरिएबल कॉस्ट, हम ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे. उसने हमसे 100 वड़ा पाव मांगे थे, 100 वड़ा पाव पे 1 रुपये के हिसाब से हम 100 रुपया कमाएंगे. सपोज करो यही कस्टमर आता है, बोलता है 100 वड़ा पाव चाहिए 7 रुपये के अंदर, प्लस तुम्हें ये वड़ा पाव मेरे घर पे पहुंचाने पड़ेंगे. हमने पूछा घर कहाँ है? उसने बोला पवई में. तो हमारा पवई जाके आने का खर्चा ही 250 रुपया हो जाता है. तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 7 रुपये में हम उसको बेचेंगे, 6 रुपया हमारी वेरिएबल कॉस्ट, तो हम 1 रुपया बचता है. 100 वड़ा पाव पे कितने बचेंगे? 100 रुपये. पर ये भाई साहब के लिए जाके आने का 250 रुपया भी तो खर्चा है, यानी 100 रुपया में कॉन्ट्रीब्यूशन कमाऊंगा, 250 रुपया खर्चा करूंगा, 150 रुपया लॉस है ना. अब यहाँ पर मैंने ये 250 रुपया 250 रुपीज जो जाके आने का खर्चा है वो कंसिडर क्यों किया है? क्योंकि वो इस प्रपोजल से रिलेटेड है. यानी मैंने ऐसा बोला आपको कि खाली वेरिएबल कॉस्ट ही कंसिडर करना है? नहीं,
मैंने आपको ऐसा बोला कि खाली फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर करना है? नहीं। मैंने ऐसा बोला फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा इरेलेवेंट है या काम की नहीं है? नहीं। हम वो हर एक्सपेंसेस, हर रेवेन्यू, हर एक्टिविटी, हर आइटम, हर ट्रांजेक्शन कंसिडर करेंगे जो डिसीजन से रिलेटेड है, यानी जो डिसीजन के वजह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो हर चीज हमको कंसिडर करना है। यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट डिसीजन के वजह से इनकर हो रही थी इसलिए कंसिडर की, पहले वाले में फिक्स्ड कॉस्ट इनकर नहीं हो रही थी तो कंसिडर नहीं की थी, इसीलिए इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्टिंग, ओनली कंसिडर रिलेवेंट आइटम्स। यानी रिलेवेंट कॉस्टिंग बोलो या डिसीजन मेकिंग बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। और डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट मतलब हमारे डिसीजन के कारण जो जो चीज चेंज होती है वही कंसिडर करना है। अगर मैं ये डिसीजन लूंगा रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंसिडर करना है, कम होगा तो कंसिडर करना है, खर्चा बढ़ेगा तो कंसिडर करना है, कम होगा तो कंसिडर करना है। दिस इज सिंपल लॉजिक, ये रिलेवेंट कॉस्टिंग है। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, रिलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट। फॉर डिसीजन मेकिंग वी शुड कंसिडर all items which are relevant or important for decision making, all items which change due to our decision are to be considered। वो हर चीज आपको कंसिडर करनी है जो हमारे डिसीजन मेकिंग के कारण क्या होते हैं, चेंज होते हैं, वो हर चीज को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका, एग्जाम्पल ऑफ वड़ा पाव। व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट नॉट रिलेवेंट, when fixed cost was relevant। बहुत बार हम लोग उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, we can also say all charges which are variable are relevant। variable cost always relevant, fixed cost if changed due to our decision then relevant, nahi to relevant nahi hogi, barabar। yani agar wo hamare decision se related rahegi to nahi। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, और इवैल्यूएशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। वो जो स्टेटमेंट होता है ना वो पूरे रिलेवेंट कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ड होता है। तो पहला मैं वो स्टेटमेंट बना लेता हूं, स्टेटमेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन और प्रपोजल, वी ऑलवेज मेक और प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। हम क्या प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल पहला रिलेवेंट रेवेन्यू,
दूसरा रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट रेवेन्यू में दो चीज आती है, मनी टू बी रिसीव्ड, आउटफ्लो टू बी अवॉइडेड। यहां पर आता है मनी टू बी स्पेंड, इनफ्लो टू बी लॉस्ट। ये इन दोनों का टोटल रिलेवेंट रेवेन्यू, इन दोनों का टोटल रिलेवेंट कॉस्ट, ये रिलेवेंट रेवेन्यू, ये रिलेवेंट कॉस्ट, तो आता है एडिशनल नेट प्रॉफिट और लॉस। अगर एडिशनल प्रॉफिट एक्सेप्ट, इफ एडिशनल नेट लॉस रिजेक्ट। सीधा सीधा तरीका है इवैल्यूएशन करने का, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग जब भी डिसीजन मेकिंग करेंगे एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और वो स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, रिलेवेंट रेवेन्यू, रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट रेवेन्यू मतलब मनी टू बी रिसीव्ड। मैंने वो वर्ड टू बी क्यों वहां लिखा है, आप गौर से देखो मैंने वर्ड टू बी क्यों लिखा है, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ड टू बी। टू बी, ये टू बी वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि आई विल कंसीडर ओनली दोज आइटम्स, आई विल कंसीडर ओनली दोज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस विच चेंज ड्यू टू माय डिसीजन। यानी डिसीजन के वजह से जो चेंज होगा वही कंसिडर करूंगा, विच आर रिलेवेंट फॉर डिसीजन, जो डिसीजन के लिए क्या है रिलेवेंट है। इसलिए वर्ड क्या यूज्ड है, टू बी, क्या वर्ड यूज्ड है, टू बी, समझे। यानी हमेशा मुझे ध्यान रखना है कि मैं हर वो चीज कंसिडर करूंगा जो डिसीजन के वजह से चेंज होती है, डिसीजन की वजह से चेंज नहीं होगी तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। अगर कोई डिसीजन के वजह से मेरा खर्चा बच जाता है तो वो भी मेरे लिए रेवेन्यू हुआ, कोई डिसीजन के वजह से जो मुझे कमाई हो रही थी वो नहीं हो रही है तो वो भी मेरा नुकसान है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज करो मेरे पास आप आए और आपने मुझे बोला कि मुझे मेरे साथ बिजनेस करो, मैं आपसे हर साल 2 लाख गुड्स खरीदूंगा, और आपसे 2 लाख गुड्स खरीदूंगा तो मुझे ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि सेल्स आएगा समझो 10 लाख। मैं आपके प्रपोजल के लिए वेरिएबल कॉस्ट इनकर करूंगा 6 लाख रुपया, तो नेट मेरे पास बचेगा 4 लाख रुपया। पर अगर मैं आपसे बिजनेस करता हूं तो एक आपका बहुत बचपन का जानी दुश्मन है, वो भाई साहब मेरे को बोलते या तो मेरे से बिजनेस करो या इससे बिजनेस करो, डिसाइड करो किससे करना है। तो अगर मैं आपसे बिजनेस करूंगा तो उससे नहीं कर सकता हूं, उससे मैं ऑलरेडी 9 लाख रुपया साल का कमाता हूं, यानी सेल्स माइनस एक्सपेंस। आपसे 4 कमाऊंगा, उससे 9 कमाऊंगा, तो मेरा अगर आपसे बिजनेस करता हूं तो 4 लाख इनकम लेस रेवेन्यू लॉस्ट, इनफ्लो लॉस्ट 9 लाख, तो मेरे को नुकसान होगा। मैं बोलूंगा नमस्ते, नहीं करना है, समझे। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्टिंग। तो स्टेटमेंट में देखो मैंने क्या लिखा है, मनी टू बी रिसीव्ड यानी सेल्स के पैसे, आउटफ्लो टू बी अवॉइडेड, जो आउटफ्लो में सेव करूंगा वो भी मेरा इनकम हुआ। एक सी आर्टिकलशिप का एग्जांपल देता हूं। आर्टिकलशिप के अंदर सपोज करो अभी अपन सीए है, आर्टिकलशिप के लिए अपन आर्टिकल्स को रखते हैं। एक आर्टिकल को हम पगार कितनी देते हैं, 2000 रुपया मैक्सिमम पगार है, तो उससे ज्यादा तो बहुत मुश्किल से दिया अपन। बहुत बार कैसा होता है, आर्टिकल काम का नहीं होता है, बॉस हमें रोजगारी देता है, तुम किसी काम के नहीं हो, कुछ काम नहीं करते हो, फिर भी बॉस ने हमें रखा है। क्यों, आज खराब से खराब हालत में मुंबई में एक प्यून रखने के लिए भी जाएंगे तो 6000 पगार देनी पड़ेगी। उसने आपको स्टाइपेंड कितना दिया, 2000, 2000 स्टाइपेंड दिया, तो 4000 तो बच गए उसके, प्लस
अब वो एक बेटर स्टाफ भी रखता है आपके साथ काम करने के लिए, तो उसकी पगार समझो 12,000 रुपया है, तो भी वो सस्ता है उसके लिए, क्योंकि 4,000 आपका सेव हो रहा है, प्लस 2 आदमी काम करने को मिल रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो कोई आउटफ्लो रहता है, वो सेव हो जाता है, वो भी हमारे लिए क्या है, इनकम है। यानी सीए फर्म के लिए आर्टिकल को 2,000 दिया तो भी 4,000 सेव्ड है, क्योंकि खराब से खराब हालत में एम्प्लॉय लाते थे तो 6,000 लगता था, तो यही सोचते 2,000 जितना काम तो कर ही लेगा। ऐसे ही बहुत सारे जगह पर जो सेविंग है वो बहुत ज्यादा होती है, और सेविंग के वजह से प्रपोजल प्रॉफिटेबल हो जाता है। अब वापस आते हैं अपन स्टेटमेंट के ऊपर। देखो स्टेटमेंट में क्या दिया है, मनी टू बी रिसीव बेचने से, आउटफ्लो टू बी अवॉइडेड, जो हमारा खर्चा होता था वो बच गया, मनी टू बी स्पेंड जो मैं इसके लिए खर्चा करूंगा, इनफ्लो टू बी लॉस्ट, ये मेन मेन इसके पार्ट है। और टू बी वर्ड का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, तो टू बी वर्ड क्या इंडिकेट करता है ये हमें देखना पड़ेगा। इसके पहले कि हम आगे का एक्सप्लेनेशन देखें, आप यहां तक का जो चीज हुआ है एक बार रिवाइज कर लो, फिर अपन टू बी वर्ड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो थोड़ा एक बार ये जो मैंने बोला इसको रिवाइज करो, 5 मिनट चाय पियो, ब्रेक लो, फिर अपन वापस बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।